हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि ME35 मशीन की कैसे टेस्टिंग होती है और मिनट में, 1 मिनट में कितना ये पानी निकालता है, ये हम लोग चेक करेंगे। और इसको हम लोग ये भी दिखाएंगे कि प्रेशर वो कितना बना रहा है। ME35 हैवी मशीन है, पानी ज़्यादा निकालता है और ये कम प्रेशर भी चेक करने की क्षमता रखता है। 5 से 6 किलो, 10 किलो, 20 किलो तक आराम से आप चेक कर सकते हो। 35 तक का प्रेशर आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना पानी ये 1 मिनट में निकालता है। ये देखिए, हमारे पास ये घड़ी है, इस समय 1:30 बज रहे हैं, सेकंड्स का काटा 30 पे आ रहा है। अब हम लोग ये चालू कर रहे हैं। अब कितना 1 मिनट में ये कितना भर देता है पानी, हम लोग इसको चेक करेंगे। ये देखिए, घड़ी अभी 30 सेकंड पे आई है और हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कितना पानी ये निकाल देता है। वो सबसे बहुत फास्ट, बहुत इजीली वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है ये। अभी ये प्रेशर नहीं बनाएगा क्योंकि ये एक तरफ से हमने खाली वाटर चेक कर रहे हैं कितना पानी भरता है। आप देख सकते हो अभी भी 30 सेकंड्स पे नहीं आया है और ये 2 लीटर का जग इसने भर दिया है। अब आ गया ये 30 सेकंड। देखिए, 2 लीटर से पानी और इसमें कम से कम ये तो 2.25 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी इसने ये भर दिया है 1 मिनट। इसका फ्लो काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से आप पाइपलाइन के अंदर भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी हम लोग ने ये चेक किया था कि कितने मिनट के अंदर कितना पानी ये निकालता है। तो जैसे हम लोग ने देखा कि 1 मिनट के अंदर ये 2.5 लीटर के आसपास पानी निकाल देता है। और अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये कितना प्रेशर बनाता है, कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो ये ड्रॉप कर रहा है क्या? हाँ, अगर ये लीकेज होगा तो ये मीटर ये ड्रॉप करेगा। तो ये कितना प्रेशर बना सकता है? ये एक्चुअली पंप है हैवी, 1.5 इंच का बोर है इसके अंदर और ब्रास की NRV लगाई हुई है। SS का ये हम लोग ने रिलीज वॉल लगाया है, काफ़ी भारी रिलीज वॉल्व है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरफ से हम लोग ने एंड इसको पूरा टाइट सील कर दिया है, कहीं से भी लीकेज करने होने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चलो ठीक है, मारे ये देखिए पहुंच रहा है ऊपर तक। हाँ, छोड़ो, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये 3 किलो तक का प्रेशर अभी भी ये रुक रहा है। मतलब ये देखिए कि इधर से लीक कर रहा है, ये एक एक बूंद गिर रहा है, इसलिए वो ये प्रेशर गिर रहा है। ये लीक नहीं होना चाहिए। ये अगर 1-2 बूंद भी गिर रहा है, मतलब ये प्रेशर रुक नहीं रहा है, गिर रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ में आता है कि ये प्रेशर और हम लोग इसकी लीकेज पहले 1-2 बूंद जो गिर रहा है उसको पहले ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो ये प्रेशर बार बार गिर जाएगा। चलिए ठीक है, पहले इसको हम लोग टाइट करते हैं। देखिए, इस बार हम लोग ने टाइट कर दिया है इसका प्रेशर, अब कहीं से लीकेज नहीं होगा। फिर से अब हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको पानी उधर से निकल जाने देंगे। देखिए कितनी फोर्स से पानी निकल रहा है इसमें से। अब इसका नॉब हम लोग बंद कर देंगे, अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब प्रेशर जनरेट करेंगे कि लाइन में भी पानी अब भर जाए। तेज से मारो और जाने दो ऊपर। बस ये देखिए, 10 किलो तक का ये प्रेशर बना रहा है, 10 किलो का प्रेशर बना रहा है। अगर आप चाहो तो ये 5 किलो 6 किलो भी प्रेशर बनाएगा और कहीं से भी लीकेज नहीं है, कहीं से भी लाइन में लीकेज नहीं है। ये देखिए,
परफेक्ट 10 किलो का ये प्रेशर बना रहा है। बहुत ही अच्छा पंप है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी, हैवी मॉडल है, 2 मीटर का पाइप लेंथ देते हैं और आगे आप कैसे भी उसको कनेक्शन उसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट 10 किलो का प्रेशर बना रहा है। अगर इसको अगर 5 किलो 6 किलो भी प्रेशर चेक करना है तो वो भी बनाएगा आपका ये। ओके, मेरे ख्याल से इस वीडियो से काफ़ी आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इसको आप आगे इसको अप्लाई कर सकते हो। चाहिए तो हमारा नंबर इस पे लिखा हुआ है, वीडियो को सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजाएं।